इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध भयावह हो गया है। फिलिस्तीनी संगठन हमास और इजराइल डिफेंस फोर्स के बीच जंग को एक सप्ताह से ज्यादा हो गया है। दोनों ओर से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आ रही है। रॉकेट मिसाइल बमबारी के बीच लाशों का अंबार लग गया है, लेकिन युद्ध बढ़ता ही जा रहा है। ताज़ा रिपोर्ट्स की माने तो इजराइल ने गाजा पट्टी में घुसकर हमास का खात्मा करने का ऐलान कर दिया है। ऐलान जंग के बाद इजराइल गाजा को तबाह करने में जुटा है। अब तक गाजा पर हवाई हमले किए जा रहे थे और बॉर्डर पर आतंकवादियों की घुसपैठ के खिलाफ पलटवार जारी था, लेकिन अब युद्ध में नया मोड़ आ गया है। इजरायली सेना गाजा में घुस चुकी है और जमीनी जंग के लिए पूरी तरह तैयार है। इजरायल ने गाजा की जनता को भी महफूज जगह चले जाने का अलर्ट दे दिया है। गाजा की बॉर्डर पर इजरायल डिफेंस फोर्स के टैंक तैनात हो गए हैं और धीरे धीरे ग्राउंड फोर्सेस आगे बढ़ रही है। इजरायली सैनिकों की कई टुकड़ियां गाजा में घुस चुकी है और हमास के आतंकवादियों को नेस्तनाबूद कर रही है। आपको बता दें कि इजरायल की ग्राउंड फोर्सेस ने गाजा में कई छापे मारे हैं। सेना ने एक बयान जारी किया है जिसमें कहा गया है कि इजरायल डिफेंस फोर्स ने आतंकवादियों और हथियारों के क्षेत्र को साफ करने के लिए गाजा पट्टी में रेड मारी है। इन ऑपरेशनों के दौरान लापता व्यक्तियों का पता लगाने की कोशिश भी की गई है। इजरायल के मुताबिक 7 अक्टूबर को हमले के बाद सूफा में 250 लोगों को बंधक बना लिया गया था। इजरायली सेना ने छापेमारी करते हुए उन्हें सुरक्षित बचा लिया है। साथ ही हमास के 60 आतंकियों को भी ढेर कर दिया है, जिसमें डिप्टी कमांडर मोहम्मद अबू अली भी पकड़ा गया है। ताज़ा अपडेट के मुताबिक इजरायली फोर्सेस ने गाजा पट्टी में हमास के हवाई समूह के प्रमुख अबू मुराद को भी मार गिराया है। अबू मुराद वही आतंकी है जिसने हमास पर 5,000 रॉकेट के हमले के दौरान अपने लड़ाकों को निर्देशित किया था। IDF का कहना है कि उसने अलग अलग हमलों में हमास के कमांडो से संबंधित दर्जनों ठिकानों को निशाना बनाया है, जिन्होंने 7 अक्टूबर को इजराइल में घुसपैठ की थी। हमास के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि गाजा पट्टी पर इजरायली हमलों में 300 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। इनमें 100 से ज्यादा बच्चे भी शामिल हैं, जबकि 1,000 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। आपको बता दें कि गाजा पट्टी पर इजरायली सेना के बीच संभावित जमीनी हमले की तैयारियों के बीच इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास को पूरी तरह नष्ट करने का संकल्प जताया है।